फंसा गए फैसले, एम की मुसीबत, मुश्किल में सरकार। सरकार के फैसले मुसीबत बन गए हैं। सहयोगी पार्टियां नाराज हैं तो विपक्षी दल शोर मचा रहे हैं। अब तो आम आदमी भी सरकार के विरोध में कपड़े उतार रहा है। ये देखिए दिल्ली के विज्ञान भवन का मंजर, एक वकील का विरोध हैरान कर देने वाला है। दरअसल विज्ञान भवन में आर्थिक विकास सम्मेलन चल रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे, तभी एक वकील खड़ा हुआ और हंगामा शुरू कर दिया। वकील नारेबाजी कर रहा था और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा था। उसने डीजल के कीमतों पर भी हंगामा किया और महंगाई के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। देखते ही देखते वकील मेज पर चढ़ गया और कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने चुस्ती दिखाई और वकील पर शिकंजा कस दिया। हमारा ये प्री प्लान किया हुआ लगता था, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री उठे हैं सब भाषण देने के लिए, वो अब जा रहे हैं माइक की तरफ, उसी वक्त ये शख्स उछल के मेज के ऊपर खड़ा हो गया और ये सारे चीज प्री प्लान थी। तो बार काउंसिल को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, नोटिस होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए और जो भी कार्रवाई हो इंक्वायरी के बाद वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद साफ हुआ कि विरोध करने वाले वकील का नाम संतोष कुमार है और उसका नाम बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। इसी का फायदा उठाकर संतोष इस कार्यक्रम में शामिल हो गया था और उसने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। वकील संतोष कुमार की इस हरकत पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी कहते हैं, जिस तरह से विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, ये हंगामा उसी का नतीजा है। प्रोटेस्ट और डिमांड करने का हर आदमी को हक है, लेकिन इस तरीके का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। देश का प्रधानमंत्री देश की इज्जत है। किस तरह वहां पहुंचा, कोई साजिश तो नहीं है, ये फैसला कानून करेगा। लेकिन साथ साथ मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि अपोजिशन ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से देश को गुमराह किया है, जिस तरीके से गलत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया है, ये उसका नतीजा है। क्या एनडीए ने डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी? क्या पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी? प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए इस विरोध पर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के मुताबिक आम आदमी की बात सरकार समझ नहीं पा रही है। आम लोगों में एफडीआई रिटेल सेक्टर में आ रहा है, इसको लेकर गुस्सा है और गुस्से के प्रकटीकरण का अपना अपना अंदाज सबका होता है और वो कौन व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन इतना जरूर है कि एफडीआई रिटेल सेक्टर में जो आ रहा है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान है। शाहनवाज हुसैन काफी कुछ बोल गए और कुछ ऐसे सवाल उठा गए जिन्होंने कांग्रेस को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। सिरफरा व्यक्ति वो चढ़ के पब्लिसिटी के लिए, उसको प्रचार में लिए सब करता है। आप लोग इसको जरूरत से ज्यादा प्रचार दोगे तो ऐसे तत्व जो होते हैं कहीं भी कुछ भी इस तरह की हरकत कर देते हैं, उससे कुछ ये थोड़ा होता है। एक आदमी कहीं घुस के खड़े होके वकील के उसमें गया और उसने ऐसे खड़े होके कर गया, तो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे तुम इस पे बाइट दे रहे हो कि आम आदमी का गुस्सा है, तो तुम्हारे कुछ नेताओं के मुंह पे काली स्याही पोत दी थी तो हम कहने लगे वो भी आम आदमी का गुस्सा था। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। कल आप मंत्रियों को एक आदमी खड़े होकर कुछ कर दे तो आम आदमी गुस्सा हो सकता है। सियासत के पंचांग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार होना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी से ज्यादा सरकार की कुंडली पर उसके सहयोगियों का असर पड़ रहा है। ऐसे में सियासत के पंचांग में देखेंगे कैसे पड़ रहा है एम पर भारी एम। अनूप कुमार के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज दिल्ली।